मंकी सर अपने एंजॉय करते हुए। नाका ये बुरा भालू ये चूहा वो शेर आज हम आए हैं G20 पार्क। ये G20 पार्क पड़ता है चड़क्केपुरी में, चड़क्केपुरी में है ये। सामने पेट्रोल पंप भी है एक, इनकी बाग ये रोड जा रही है, बिल्कुल रोड के सामने ही पार्क है ये। ये नया पार्क खुला है G20 पार्क, पार्किंग फ्री है, पार्किंग लगा सकते हो कार बाइक दोनों की पार्किंग मिल जाती है इसमें। ये इसका मैप है छोटा सा और यहाँ से पार्क की एंट्री शुरू हो जाती है G20 पार्क, यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है, इसकी एंट्री है। ये बड़ा गेट है, ये छोटा गेट है, ये स्टार्टिंग में इन्होंने मोर बना रखा है, ये पीकॉक बना हुआ है मोर स्टार्टिंग में। और अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये देखो स्टार्टिंग में एंटर करते ही ये भी एक मोर बना रखा है यहाँ पर। ये मोर है, ये भी G20 पार्क बना न्यू, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, पार्क बिल्कुल गोल है। ये है बाघ, इंडियन टाइगर, ये यहाँ का इंडियन टाइगर। ये है यहाँ, ये है कमांडो ड्रैगन, इंडोनेशिया की है कमांडो ड्रैगन, ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कमांडो ड्रैगन। ये है गार्लिक मुर्गा, फ्रांस का गार्लिक मुर्गा, इसका भी फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं सामने। ये लोहे के सरिये से बना हुआ है बिल्कुल, जो वेस्ट मटेरियल है उसका बना हुआ सारा, ये सारा लोहे का बना हुआ बिल्कुल, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना हुआ ये। फ्रांस का मुर्गा, ये है प्यूमा अर्जेंटीना का प्यूमा। ये है भूरा भालू, उसका ब्राउन बियर। ब्राउन बियर ये है कनाडा का बीवर, चूहे जैसा कनाडा बीवर। G20 पार्क बना हुआ, नया बना हुआ वहाँ पर, इधर ही है। ये देखो ये सब लोहा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ सब कुछ। शेर है ये, लॉयन ग्रेट ब्रिटेन शेर बनाया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन। अभी और मैं दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। ये है इटालियन गोरिया, इटली, ये वहाँ का इटालियन गोरिया है। ये छोटी छोटी लिखी है इटालियन गोरिया ऐसे बोलते हैं। ये सब बिल्कुल जो पेड़ बना हुआ बिल्कुल रियल लग रहा है, पर ये बना हुआ है लोहे के वेस्ट से, पाइपों से बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है सारा। इटालियन गोरिया नाम है इसका। और ये क्या चीज़ है, टर्की रेड विंग नाम है इसका, टर्की का रेड विंग। पार्क भी बहुत अच्छा सा बना हुआ है, ये देखो कितना बड़ा पार्क है ये, इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, साथ में फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं, पानी के लिए टैंकी लगा के पानी पी सकते हैं,
और दिखा दो। यहाँ शाम को फुवारा चलता है सुबह 9 से 11, 12 से 2 और 5 से 8, क्योंकि फुवारे को पानी से ना छुए भी लेकर रहना चाहिए। यहाँ फुवारा चलता है, सामने फुवारा है, यहाँ फुवारा लगा हुआ है और यहाँ लाइटिंग वगैरह होती है। शाम को 5 बजे के बाद ये फुवारा चलता है, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना तब स्टार्ट होता है ये। 5 बजे के आसपास ये देखो यहाँ बैठने की सेटिंग है, यहाँ सेटिंग वेटिंग बैठ सकते हैं। ये फुवारा चलता है, लाइटिंग होती है और रात को बहुत प्यारा सा लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर। ये और भी दिखाता हूँ क्या क्या है। ये है दक्षिण कोरिया का कोरियर मैगपाई, ये है कोरियर मैगपाई, कोरियर मैगपाई। और ये है सुनहरा बाज, इसका नाम है सुनहरा बाज। चीजें हैं, ये है सारस, लाल मुकुट सारस चीन का, लाल मुकुट सारस चीन का। ये है हरा तीतर, हरा तीतर जापान का, हरा तीतर, हरा तीतर। कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और सब कुछ ये लोहे के वेस्ट मटेरियल। ये देखो ये नट बोल्ट है, नट बोल्ट वगैरह से बना हुआ है, ये वेस्ट चीज़ से बना हुआ है। ये गाड़ियाँ गाड़ियाँ वगैरह जो वेस्ट मटेरियल है उससे बना हुआ सारा ये। ये है बाज, जर्मनी का बाज, बहुत बड़ा बनाया हुआ है, 10-12 फुट का बना हुआ कम से कम बाज। ये यहाँ का बाज बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, जर्मनी का बाज। ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, ये कंगारू है, कंगारू का बेबी। ये है जगुआर, ये जगुआर है ब्राजील का जगुआर, ये भी 10-12 फुट का बना हुआ है। ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ सब कुछ, नेट बोल्ट ऊपर पूछ के पाइप लगा रखा है, बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर रखा है, सारा बेस मटेरियल से रेडी हुआ हुआ है सारा। ये जगुआर है ब्राजील का। और दिखाता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छा पार्क है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। और बहुत मंकीज वगैरह भी घूम रहे हैं, तो रियल मंकीज। ये है दक्षिण अफ्रीका स्प्रिंग ब्रोक, स्प्रिंग ब्रोक नाम है इसका, हिरन हिरन स्प्रिंग ब्रोक, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये देख लो कैसे बना हुआ है, दो दो लगा रखे हैं। और दिखाते हो क्या क्या है यहाँ पर। ये प्रेजिडेंट थे, प्रेजिडेंट हू ची मिन, चिन मिन, इनकी भी फोटो लगा रखी है प्रतिमा यहाँ पर। ये 1890 से 1959 तक रहे हैं ये प्रेजिडेंट ऑफ ची मिन, हीरो ऑफ नेशनल लिबरेशन ऑफ ग्रेट मैन ऑफ कल्चर। ये यहाँ सिटिंग है बैठने के लिए, और भी जगह जगह सिटिंग बना रखी है इनकी बैठने के लिए। ये पार्क वॉक करने के लिए भी है, वॉक भी करते हैं यहाँ पे लोग, ये वॉक करने के लिए है सारा। और एक जगह जगह स्टैचू लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए।
ये भी नया पार्क बना है, G20 पार्क दिल्ली में, जो G20 पार्क हुआ है ना, ये भी डिजाइन बनाया हुआ है जाने के लिए। इसको बोलते हैं G20 पार्क। कितना अच्छा पेड़ लगाया हुआ है, ये भी लोहे का बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल का स्टडी बनाया हुआ है। ये ऊंट सऊदी अरब का ऊंट, सऊदी कैमल है, सऊदी अरब का कैमल, सऊदी अरब का कैमल बना हुआ, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। देखो सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है सारा। ये गरारियां, लोहे की गरारियां वगैरह, इससे बना हुआ सारा। G20 पार्क सारे मैंने दिखा दिए हैं, अब एक लास्ट बचा हुआ वो भी दिखाता हूँ आपको। ये भी अमेरिका बाइसन है, इसका नाम अमेरिका का है, अमेरिका बाइसन। ये देखो अमेरिका बाइसन नाम है इसका। सारा देखो लोहे मटेरियल से बनाया हुआ, वेस्ट मटेरियल जितना भी है ना सब उन्हीं से बनाए हुए हैं। का नाम है अमेरिकन बाइसन। बहुत सुंदर पार्क है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हुए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा बड़ा नाइस पार्क है। यहाँ शाम को लाइट फवारा भी चलता है, बहुत बढ़िया चलता है इधर। ये एंट्री गेट है और ये चड़क्कीपुरी में पड़ता है, दिल्ली की चड़क्कीपुरी में। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, है छोटा ही पार्क, पर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने। वॉक करने के लिए भी है, अपने पिकनिक विकनिक बनाने के लिए भी अच्छा पार्क है। यहाँ भी एक फवारे के लिए बना रखा है इन्होंने, चलता शाम को ही है, जो भी चलता है, अभी नहीं चलता। दो राउंड बना रखे, एक बीच में एक साइड में फवारा, जो लाइटिंग में वो फाउंटेन चलता है इधर के सामने। मंकी बैठे हैं इधर, तो चार पांच मंकी बैठे हुए इधर। इधर मंकीस वाला भी है रियल के। बहुत अच्छा पार्क है, मंकी सर अपने एंजॉय करते हुए।